अरे मम्मी पापा, मैं नहीं जाना आपके साथ आपके गांव। आप दोनों चले जाओ। हाँ, पता नहीं कैसी कैसी जगह ले जाते हैं। गांव मुझे नहीं जाना, गांव आओ। वहाँ कच्ची कच्ची सड़कें, धूल मिट्टी थी, ना कोई वाईफाई, ना कोई नेट, ना मेरे दोस्त। अरे बेटा डरते क्यों, वहाँ सारी चीज मिलेगी तुम्हें। बर्गर पिज्जा मिलेगा? बर्गर पिज्जा तो नहीं मिलेगा बेटा, चलो फिर हम नहीं जा रहे। अरे 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 बेटा, तुम्हें वहाँ बर्गर पिज्जा से भी अच्छी चीज मिलेगी। पता है पापा क्या मिलेगा, झूठ बोल के ले जाओगे हमें। ना वहाँ पे मेरे नेट, ना मेरे कोई दोस्त। अरे बेटा वहाँ तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे, जाते ही अट्रैक्ट हो जाएंगे तुम्हारी तरफ। पापा मैंने सुना है वहाँ पे ना भूत होते हैं, और ना वहाँ पे पुराने पुराने घर भी होते हैं। अरे ना बेटा, कोई भूत भूत नहीं है वहाँ पे, तेरे पापा से बड़ा कोई भूत हो सके? पर फिर भी कोई डरते नहीं भूत भूत से। अरे मम्मी वहाँ बिजली की भी दिक्कत होगी, पता नहीं कब चली जाए, फिर मच्छर काटेंगे। अरे बेटा वहाँ मच्छर वच्छर कुछ नहीं काटेगा, अब पहले जैसे गाँव थोड़ी ना रहे हैं, 24 घंटे लाइट रहती है। आओ चलो। जहाँ ठंडी ठंडी हवा चले और पत्ते साज बजाते हैं, मोर पपीहा कोयल। वाह भाई देख रहा है कितनी ठंडी और कितनी प्यारी हवा है। हाँ बहन बहुत ही ताजी हवा है। भाई ये देख, हम यहाँ पे ना छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं, तू ये ढूंढ भी नहीं पाएगा। हाँ बहन बहुत खुली जगह है, देख हमारे वहाँ तो भीड़ रहती है। हाँ भाई सही कह रहा है। पापा तेज की चलाओ, और तेज की। हाँ पापा थोड़ी तेज चलाओ, मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। अरे मेरा गांव देखियो, सब दुनिया तन्यारा रे, मेरा गांव देखियो, लागे सगाना प्यारा रे, मेरा गांव देखियो। अरे बेटा सुनिए। हाँ तो बोलो। बेटा मकान नंबर 412 है, कहाँ पड़ेगा? मंदिर के पास है। मकान नंबर ताऊ, गांव में कित मकान नंबर हो है? आपने आपके कोई बड़े बुजुर्ग का नाम बताओ। पंडित हुकुमचंद का घर है। हाँ अंकल उरन मुड़ जियो, उरन जाओगे ना तो ओले हाथ ने मुड़ जियो, ओले हाथ ने मुड़ का आगे खंबा होगा, खंबा था सोले हाथ ने ले लियो, सीधा उनका घर है। ठीक है बेटा। ठीक है अंकल, ध्यान से जाइयो, भैंस भूस आ जाए बीच में। अच्छा ठीक है बेटा। बहन ये गेट अपने आप कैसे खुल गया? पता नहीं भाई, इसका मतलब यहाँ पे भूत 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 भूत। पापा मैं आपको बोलती थी ना इस घर में भूत है, आप कब मेरे को यहाँ ले आए? मैं जा रही हूँ। इधर इधर चुप, इधर खड़ा। कंप्लीट इंसान है ये, तुम्हारे अंकल हैं, पैर छुओ और आशीर्वाद लो। ये अंकल है भाई, ये अंकल है। कहीं ये छोटा भूत तो नहीं है? भाई मुझे भी यही लग रहा है। चल जल्दी पैर छू ले। राम राम अंकल। राम राम, आइए चलो। भाई इसकी आयु तो मेरे से भी छोटी है। वैसे छोटे लोग होते खतरनाक है। अच्छा
भाई देखो पता है एक बार स्कूल में ना मेरी पेंसिल गायब हो गई थी। पेंसिल गायब हो गई? वो कैसे? वो ना मैं सुबह से अपनी पेंसिल को ना शार्पनर में छिले जा रही फिर वो एकदम से गायब हो गई। बहन वो देख उस छोटे भूत ने हमें आते ही डराया था ना। हाँ भाई चल अब उसकी बैंड बजाते हैं। ठीक है भाई। आओ जी देसी खाना खाते हैं देसी तरीके से, देसी घी के साथ देसी लस्सी के साथ। वो क्या है ना बेटा, हमारे यहाँ शहरों की तरह चाल चलन नहीं है कि अलग अलग कमरे में कुर्सी मेज पे बैठ के खाना खा रहे हैं। हम तो जी धरती से जुड़ के धरती माँ के साथ सब परिवार खाना खाते हैं, क्योंकि देश और परिवार से बड़ा प्रेम कुछ नहीं है हमारे लिए। भाभी जी खाना खाइए। अरे भाभी जी आपने रोटी पे देसी घी तो लगाया ही नहीं, बच्चों को देसी घी तो खिलाओ। घी ची। अरे का छी छी कर रही है, हड्डी देख सूख रही है, घी खा। अरे वाह रोटी के साथ घी कितनी बढ़िया लग रही है मम्मी। वाह अंकल जी ये तो मस्त लग रही है। मम्मी मुझे लस्सी दो। मुझे भी। अरे बेटा तुम अभी नहीं सीखोगे और दो चार दिन में सीख जाओगे ऐसे पीना। अब ये बताओ बर्गर पिज्जा याद आए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था ना गांव में जाके तुमको बर्गर पिज्जा से भी अच्छी चीज खाने को मिलेगी। बिल्कुल भाई साहब। भाई देख रहा है आसमान में कितने तारे हैं। हाँ बहन हमारी दिल्ली में तो एक तारा भी नहीं दिखता पोल्यूशन की वजह से। सही कह रहा है। भाई देख रहा है ये तारा कितना चमक रहा है। बहन पापा बताते हैं ये दादाजी हैं। पहला के दादाजी। और भाई ये साइड में कौन है? ये साइड में दादी जी। पहला के दादी जी। और भाई ये देख बीच में ये तारा दादी जी से भी ज्यादा चमक रहा है। बहन इधर आ ये दादाजी की सेटिंग है। क्या बात कर रहा है भाई किसी को मत बताइयो। चल सो जा। ओए वो क्या है? भूत 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 क्या हो रहा है? वो देखो मम्मी भूत भूत। अरे वो भूत नहीं है, भूत वो थारी जड़ में सोन लग रहा। नहीं वो असली का भूत है। तो वो कौन है? अरे बेटा ये तुम्हारे अंकल हैं। अंकल? अंकल इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज करता है यार इस टाइम आधी रात को। हैं? क्यों बच्चों को पागल बना रहे हो? बेटा उनको नींद में चलने की आदत है। सो जाओ तुम, सो जाओ बेटा, सो जाओ। पापा वो अंकल क्या कर रहे हैं? अरे वो बेटा सब्जियों की घास निकाल रहे हैं। जो गंदगी उग जाती ना वो वाली। अच्छा
मम्मी पापा देखो हमने सारी सब्जियों की घास फाट दी, सही किया ना अंकल जी का काम आसान कर दिया हमने। अरे मोरी मैया, अरे भाई साहब अपने बच्चों को समझाओ, घास नहीं सब्जियां उखाड़ दी। अरे भाई साहब लेके जाओ इन बच्चों को, मारी तो नाक में दम कर रखा है। बहन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, आज के बाद काम नहीं करेंगे, चल निकल निकल निकल। ले आओ इन गाँव में, दिखाओ इनको गाँव। अरे जमना, राम राम, ले खा ले बिमला, तू भी खा ले। बहुत सही बहुत सही। और खाना पानी ठीक चल रहा है? टाइम से पानी वानी पीती हो ना? अट्टी ना हो बिट्टी रहो मस्त गगन में। बहन तुझे पता है ये गाय कितनी मासूम है, ये किसी से बात भी नहीं कर पाती, पता है क्यों? क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है। तेरे ऊपर पापा पैसे खर्च करते हैं ना, तेरे को पढ़ाते हैं ना, इनको कोई स्कूल नहीं भेजता, इन पर कोई पैसे खर्च नहीं करता, ये इसलिए गवार रह गई और अब किसी से बात भी नहीं कर पाती। देख बहन तू पढ़ी लिखी है, तू एक काम कर, तू अपना ज्ञान बाँट। देख तुझे तो पता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अब तू ज्ञान बांटेगी, इन गायों को पढ़ाएगी, ये भी अच्छी और समझदार बनेगी। देख बहन तू पढ़ाएगी ना इनको? हाँ भाई मैं इनको पढ़ाऊंगी, इनका भविष्य मैं बनाऊंगी भाई। हाँ बहन इनका भविष्य तेरे हाथ में है, जा इनको पढ़ा और इनको समझदार बना दे। ठीक है भाई। बिल्कुल तेरी तरह। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज मैं सबको एबीसीडी पढ़ाऊंगी, ठीक है? हाँ तू कौन सी एड में है? तुझे भी पढ़ाऊंगी, तू भी बोलेगी गवंडी। चलो बच्चा पहले आप स्टार्ट करते हैं। ए फॉर। भाई क्या हुआ बोलो, चलो छोड़ो। बी फॉर, तू कौन से घमंड में है? अच्छा तू कहे गर्म ठंडी हो रही है यार, तुझे कौन बोल रहा है? कुछ नहीं बच्चा, आप बोलो। चलो कोई सुनता ही नहीं मेरी। भाई भाई देखियो कोई भी मेरे नहीं सुन रहा है। बहन देखिए तेरी सारी बात सुनेंगी, तू इनको थोड़ा प्यार से समझा, फिर तेरी एक भी बात से मना नहीं करेंगी, अभी ये तेरे से थोड़ी शर्मा रही है। फिर से ट्राई करती हूँ भाई, ठीक है एक और चांस दे रही हूँ तुम सबको। ए फॉर। ये कौन सी क्लास में पढ़ रही है? सेवंथ में है ये। कल से इसको नर्सरी में एडमिट कराओ दोबारा से। हद है भाई, नहीं मतलब गाय को एबीसीडी। हे भगवान, आजा। इसको मारना बंद नहीं करेगी तू? कल अपने पेरेंट्स को भी लेकर आई हो, ठीक है? कल मिलूंगी मैं तुम सबसे, सारे की सारी क्लास में लायक है। बेशरम बेहला बेगरम, अब मैं जा रही हूँ, कल सब पढ़कर आना। बाय। गुड आफ्टरनून भी नहीं कहते। हाँ बेटा कैसा लगा गांव में आके? पापा बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। हमारा तो यहाँ मन नहीं लग गया पापा। हाँ पापा कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या, 3-4 दिन और रुक जाते हैं, और वैसे भी इतनी रात को जाकर क्या करेंगे? अरे बेटा कल मुझे जॉब पे जाना है, नहीं जाऊंगा तो वो जॉब से निकाल देंगे, फिर क्या करेंगे? अरे पापा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहीं पे खेती बाड़ी कर लो और हम सब यहीं रुक जाए। हाँ पापा छोड़ दो जॉब, खेती बाड़ी कर लो। पागल हो गया, और तुम्हें स्कूल भी जाना है कल? तो क्या हो गया पापा, यही किसी स्कूल में पढ़ लेंगे ना। और क्या पापा। अरे बेटा अगर तुम्हारा इतना ही मन है ना तो अगले संडे फिर आ जाएंगे। पक्का? हाँ। हाँ भाई क्यों, अगले संडे फिर से आना है? हाँ। कमेंट करके बता देना अगर आना है तो। क्या ये अगले संडे फिर आएंगे? अरे मोरी मैया।